जय हिंद एंड नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आगरा में चैन मशीन का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और कारीगर तो हजारों हैं, मशीन बनाने वाले भी हैं, लेकिन उन सब के अंदर एक और बंदा है जिसको कि आप नोटिस नहीं करते। उसका नाम है जेके चैन, यानी कि मैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मेरे पास आओ, मशीन लो या मत लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस किसकी जरूरत है, तो मुझे इस चीज की जरूरत है कि आप कम से कम जब भी आगरा आओ भाई, एक बार मिलके जरूर जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे ही हमारे साथ में भाई साहब हैं और ये दादा हैं, ये दोनों आए हुए हैं बांग्लादेश से। तो भाई साहब मेरे से केवल स्पेशल वहां से आए मिलने के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। बहुत तेज हो रहे हैं। थोड़ा सा परिचय कराते हैं। दादा तुम्ही नाम के दादा? कार्तिक दास। और एड्रेस बांग्लादेश में कहाँ से? बोरीशाल ब्लॉक। बोरीशाल। और हमारे भाऊ है, बैठे हुए हैं। आपका एड्रेस दादा, नाम? मेरा नाम तो धनंजय है। धनंजय, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। लेकिन कोई बोल बता नहीं सकता कोई कि आप महाराष्ट्रियन हो, बंगाली इतना अच्छे से जानते हो। बंगाल में मेरे को 14-15 साल हो गया और बांग्लादेश में उनके साथ आना जाना मिलना रहना है सर। और कोई बात नहीं है, आप बंगाली में बात करना, हिंदी समझ आ रहा है ना मेरा? तो आप जवाब अपना बंगाली में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कंट्रोल। तो आप वहाँ से आए हो तो कैसा लग रहा है मिलके? भालो। और आपके पास तो पहले से मशीन है, कितना मशीन है? छह मशीन है। आप फिर यहाँ आगरा किस लिए आए हो? आपके पास तो है मशीन पहले से, ट्रांसलेट करो। मिलने के लिए, मेरे वीडियो देखते हो? ओ भाई दादा मेरे वीडियो देखते हैं। और अब मैं क्या बोलूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बोलूँ मैं। ये मेरे को ऐसे फीलिंग, हीरो वाला फीलिंग करा दिया भाई दादा ने। तो दादा के लिए एक लाइक तो बनता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब भी आए, क्योंकि इनको थोड़ा हिंदी नहीं आता है, दिक्कत होगा, तो भाई को साथ लेके आए हैं। ये बांग्लादेश से मिलने के लिए आए हैं। देखो, मशीन खरीदना या सामान लेना या जो भी है वो काम अपनी जगह है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत, इतनी दूर से मिलने आना, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी मित्र कहीं से भी आते हैं, जो मिलना चाहते हैं, बेधड़क होके आइए, बेझिझक मिलने के लिए आइए, कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आइए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और देखते हैं दादा क्या बोलना चाहते हैं, और आपका कोई संदेश, कोई कुछ बात, कुछ कहना चाहते हो सभी लोगों को, देखने वालों के लिए? दादा कन्वर्ट करना एक बार। मैं बोलते वीडियो लाइव तो सब देख छे, ओना जुना किछु बोला ना, बोला जुना आछे किछु बोला जुना तो अवश्य आछे, कुछ भी जो आपके मन में हो। देखने वालों को क्या बताना चाहते हैं आप? दादा जरा देख छे इधर जनो, तुम्हें कुछ একটা बोलो जे এখানে এসে তোমার কেমন লাগলো বা এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। দাদা খুব ভালো, ভালো মনের মানুষ, দাদার মালও ভালো, সবাই দাদার কাছ থেকে মাল নেন, খুব ভালো হবে। দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা। दादा मेरी तारीफ कर रहे हैं, इतने भी तारीफ के काबिल नहीं हम, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई भी आदमी है वो मेरे ऊपर भरोसा करके इतनी दूर से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो इसका आप रीजन बता सकते हैं कि आपको मेरे ऊपर भरोसा कैसे हुआ, आप इतनी दूर से कैसे आए? अच्छा भाई, कहने का मतलब ये है, दादा मेरे वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने से वो चीज उन्होंने सीखी है जो कारीगर कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। मेरे वीडियो देख देख के दादा ने काफी सारा काम सीखा है। दादा वो थोड़ा सा कर दो, इनको थोड़ा सा कम आ रहा होगा समझ में। कितना काम सीखा आपने मेरे वीडियो देख के, कितना समझ आ रहा है आपको? খুব শর্ট টাইমে শিখতে পারছি দাদার ভিডিও দেখে। আপনার ভিডিও দেখে খুব কম সময় মে কাফি আচ্ছা দাদা বহুত তরে কি কিয়া কাম মে। হ্যাঁ দাদা কা মতলব ইয়ে বলা না, আপনি যদি দেখতে আপনার ভিডিও দেখতে বলা দাদা কা দেখনা হ্যায় আর কেসে করনা হ্যায়। চুপ চুপ বিলকুল।
और लैंग्वेज समझ नहीं आता है, लेकिन काम कैसे करना है वो समझ आ रहा है। और मैंने अभी वीडियो डाला था, प्लास कैसे फिट करते हैं, टोपी कटर कैसे लगाते हैं, सिलाई का साइज निकालना, ओ मैं डालता रहता हूँ। दिक्कत यह है, कोई भी मेरे को बोलता नहीं है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जैसे कि अभी यहाँ पर कैम पड़ा हुआ है, मास्टर कैम, अब आप बोलो कि ये कैम कैसे फिट करना है, मशीन में लगाने के बाद कैसे टाइमिंग मिलानी है, तभी तो वीडियो बनाऊंगा। अब जब तक आप बोलोगे नहीं, तो भाई मेरे पास भी काम रहता है, मैं क्यों फालतू टाइम दूंगा। तो आपको भी थोड़ा सा कमेंट में बोलो, कमेंट में नहीं, आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप करो, अपना फोटो भेजो व्हाट्सएप पर, नाम भेजो और डायरेक्ट व्हाट्सएप करो कि मेरा ये टॉपिक है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, चाहे वो कुछ भी हो। और गारंटी से हम वीडियो बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, तो वीडियो बनवाइए, फायदा उठाइए। मशीन कहीं से भी खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे पास कोई हुनर है, देखिए कारीगर कोई हुनर फ्री में नहीं देता है, हम आपको फ्री में सारी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको फ्री में काम सिखा रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाओ। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे दादा फायदा उठा रहे हैं, वीडियो देख देख के काफी कुछ इन्होंने काम सीखा है। तो पहले आप कारीगर रखते थे क्या? शुरू में पहले जब मशीन लगाया था, दादा का बोलना है बाकी फिर हमारा वीडियो देख देख के चला रहे हो। चलिए, दादा का और हमारे भाई साहब आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये एक भरोसे की बात होती है। और देखो, पैसा कमाना अलग टॉपिक है और भरोसा जीतना ये अलग टॉपिक है, मानते हो कि नहीं? पैसा तो 100% कोई भी कमा सकता है, झूठ बोल के या कुछ भी, लेकिन भरोसा कमाना जिंदगी लग जाती है। तो मैंने आके आपको ही बताया ना, आपका नाम और आपका काम देख के तो इतना दूर दूर भरोसा कमाने में जिंदगी चली जाती है। बांग्लादेश है आपके पास तो हीरो नहीं, फिर भी देखो, फिर भी आप विदेश तो विदेश है, बांग्लादेश भी विदेश है, विदेश वालों पास में विदेश है, वो तो ज्यादा दूर नहीं। जी जी जी, यूरोप और क्या, और क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या कहना चाहिए, इनके साथ आया हूँ, आपके साथ भेंट हुआ, बस। चलो ठीक है, उसके साथ भी भेंट हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसी बात को यहीं पे। और आपके जो भी टॉपिक हो, जो भी वीडियो बनवाना है, इनकी तरह आपको भी फायदा उठाना है, तो पीछे मत रहो, वीडियो बनवाओ, और नहीं बनवाना है मत बनवाओ, हमारे वीडियो देखो और काम सीखो, फ्री में मिल रहा है ज्ञान, बटोर लो। चलिए, इसी बात के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे, आज भाई साहब के साथ बैठे हैं, और कल देखिए कौन आएगा।